केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा भारत जोड़ो यात्रा में हो कोविड प्रोटोकॉल का पालन। उत्तर प्रदेश की सभी मदरसों के साप्ताहिक अवकाश में बदलाव, अब यूपी के मदरसों में शुक्रवार के बदले रविवार को होगा अवकाश। चीन के साथ झड़प के बाद सरकार का बड़ा फैसला, तवांग में बिछाया जाएगा मोबाइल टावरों का जाल। अंकिता हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट फैसले से अंकिता के परिवार को लगा झटका, सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका खारिज। तालिबान में फिर जारी हुआ महिला विरोधी फरमान, लड़कियों के लिए बंद हुए यूनिवर्सिटीज के दरवाजे, शिक्षा पर प्रतिबंध पर अमेरिका ने की निंदा। गुरदासपुर में बीएसएफ पोस्ट के पास फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय जवानों ने फायरिंग करके दिया जवाब। अर्थव्यवस्था मजबूत पर वैश्विक कारणों का पड़ सकता है असर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो पर फिर जताई चिंता। कोरोना पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, विदेश यात्रा से लौटने पर होगा कोविड टेस्ट। यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सभी सीएमओ को चौकसी बढ़ाने और एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ाने के दिए निर्देश। गैंगस्टरों पर लगाम लगाने के लिए एनआईए ने हरियाणा के सिरसा में की छापेमारी, चौटाला गांव में भी डाली रेड, कई हथियार बरामद। संसद में बोले गृह मंत्री अमित शाह, नशा देश के लिए गंभीर समस्या, इस पर राजनीति ना हो, केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।